हे hey, तुम कौन हो? मैं तो एक कविता हूँ। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। मैं तो एक कविता हूँ, धरती की कविता। मैं हमेशा धरती और सागर से पैदा होती रहती हूँ। वो बात अलग है कि मेरा पैदा होना दिखाई नहीं देता, पर मैं हर पल हर वक्त जन्म लेती रहती हूँ। मैं जमीन से ऊपर आसमान की तरफ उठ जाती हूँ। आसमान में मुझे एक अलग ही प्रकार का रूप मिलता है। ये रूप बिल्कुल ही अलग सा और नया सा होता है। पर सुनो, मेरा बस ये रूप बदला है, मेरा काम नहीं। मैं अभी भी वही बारिश की बूंद हूँ जो पहले हुआ करती थी। मैं जैसे ही जमीन से आसमान में गई ना, वैसे ही आसमान से जमीन पे भी आती हूँ और धरती पर मौजूद हर सूखी चीज को अपनी बारिश की बूंदों से नहला देती हूँ। तुम्हें पता है मैं बीज को भी नहला देती हूँ। मेरे बिना मात्र वो एक बीज ही है और कुछ नहीं। मैं जब उसको नहलाती हूँ ना, तो उसके बाद ही वो बीज खिलता है। मेरे बिना वो बीज कभी पेड़ बन ही नहीं सकता। मैं ये काम हर साल, हर महीने, हर दिन, हर घंटे और हर पल करती रहती हूँ। हाँ, मैं सच में एक कविता हूँ, धरती की कविता। अरे हाँ, तुमने सही कहा। तुम्हें देखकर मुझे उन कवियों की गीतों की याद आ जाती है जिसे वो अपने दिल से निकालकर लोगों को सुनाते हैं। वो गीत फिर तुम्हारी ही तरह अलग रूप ले लेता है। फिर गीतकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस गीत को पसंद कौन कर रहा है और कौन नहीं, क्योंकि प्रशंसा के बाद वही गीत दोबारा से उसके हृदय में समा जाता है जहां से वो निकला था। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तुम समा जाती हो उस धरती से, जिस धरती की तुम कविता हो।